जिला करनूल की नई वक्फ कमेटी मुकर्रर हो गई है। इसका खुलासा रियासत आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड चेयरमैन अब्दुल कादिर ने किया था चंद दिन पहले, और इसी मौके पर उन्होंने करनूल की नई वक्फ कमेटी के नए प्रेसिडेंट नियाज साहब का नाम भी ऐलान किया, और उसी के साथ इस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की हैसियत से सैयद दादा पाशा साहेब को मुकर्रर किया, जो सज्जादा नशीन है हजरत सैयद सनाउल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मियां पाशा कादरी रोज़ा दरगाह की बारगाह की। इसी मौके पर कल सैयद दादा पाशा साहेब ने जाकर करनूल एमएलए हफीज़ खान साहब से खुसूसी मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्हें एक जिम्मेदारी दी जिला करनूल के वक्फ बोर्ड कमेटी के सेक्रेटरी की। और इसी के साथ साथ करनूल एमएलए हफीज़ खान साहब ने भी कहा कि ज़िला करनूल में ज़्यादातर औकाफी जायदाद है, जिसमें ज़्यादातर मशायकीन के औकाफी इदारे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मशायकीन ज़िला करनूल में हैं, तो इनके मसलों को हल करने में सैयद दादा पाशा साहेब का साथ उनके साथ रहेगा। नाजरीन, आपको बताते चले कि आप बखूब इस बात से खबर है कि गुज़िश्ता हुकूमत टीडीपी में डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी नहीं बनाई गई थी, जो इस बरस वाईएसआरसीपी की हुकूमत में देर से ही सही मगर आखिरकार डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटीज़ बनाए गए। और ऐसे इस प्रोग्राम में सैयद शाह शफी पाशा कादरी साहेब, सैयद नूरुल हसन हुसैनी साहेब, सैयद नूरुल्ला कादरी साहेब, सैयद मज़हर हुसैनी साहेब, सैयद जावेद बादशाह, इम्तियाज़ अली ख़ान साहब और दीगर हजरात मौजूद रहे। इसी मौके पर सैयद शाह शफी पाशा साहेब ने बात करते हुए बताया, करनूल डिस्ट्रिक्ट से मैं सैयद शाह शफी पाशा कादरी बात कर रहा हूँ। हमारे वाईएसआर कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए, बहुत अच्छे कैंडिडेट को जो है आप करनूल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी चुना है सेक्रेटरी के लिए, वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी का जो है पोस्ट जो दिए हैं दादा पाशा साहब को, और अमजद पाशा डिप्टी सीएम साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं साथ ही साथ, और चेयरमैन खादर पाशा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि ये जो जिम्मेदारी का पोस्ट है, औकाफ का पोस्ट है, करनूल में जो है आने को बहुत देर भी मगर बहुत अच्छे लोगों को सोच समझ कर जो है आप दिए हैं। मैं तमाम हजरात के अलावा भी जो करनूल के एमएलए अब्दुल हफीज़ खान साहब से भी मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए, और उनको भी हम सादात के ग्राम की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद हफीज़ खान साहब को देने के लिए हम लोग यहाँ पर पेश आए, और गुलपोशी भी जो है हमारे एमएलए साहब के करे हैं। और इसके अलावा जो है ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत देर से जो है कमेटी बैठी है, बहुत सालों से ये काम हमारे दादा पाशा साहब और हमारे यहाँ के जो एट वर्ड के जो है अबरार और दूसरे और फेरोज को भी जो है दिया है। मैं सीएम साहब का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, इस पर जो है गौर व फिक्र करें, समझकर जो है ऐसे पोस्ट हर एक को देते रहें, ताकि हिम्मत रहें और हिम्मत के साथ काम करते रहें, आपको सपोर्ट भी रहे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। करनूल के मशहूर और मारूफ शख्सियत सादात ख़ानदान से हमारे सैयद दादा पाशा कादरी साहब को करनूल डिस्ट्रिक्ट वक्फ सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है। मैं हमारे अर्दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब का, डिप्यूटी सीएम अमजद पाशा साहब का और वक्फ बोर्ड चेयरमैन अब्दुल खादर साहब का और सब हजरात का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सादात घरानों के आस्थानों के दरगाहों के ज़मीन जायदाद वक्फ में सबसे ज़्यादा हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन रहना बोलकर करनूल के मशाइखीन जितने भी पार में को बोले थे उनकी बात रखते हुए ये चीज़ जो है दादा पाशा साहेब को सेट होते, करेक्ट आदमी है, एक नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पर्सन है, सबको लेकर चल सकते बोलकर जो है उनको सब लोगों की इनके सिफारिश पे, सब लोगों की बात पे आज एक इतना बेहतरीन और बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट दिया गया है। मेरे को बहुत खुशी है कि दादा पाशा साहेब की वैसी शख्सियत को जो है वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का पोस्ट आया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कई वक्फ के मसाइल हैं, उन सारे मसाइलों को भी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब पे काम करेंगे इंशाल्लाह।
जब ये वक्फ बोर्ड कमेटी आ जाती तो इससे ताकत बढ़ जाती, रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता, लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाता। तो ये सारे चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं जो कई दिनों से, कई सालों से जो पेंडिंग था वो काम अब हुआ है। आने वाले दिनों में भी जो है बेहतरीन काम इंशाल्लाह ये सारे हजरात करेंगे। तो ये सारे कमेटी के मेंबरान को और खुसूसन दादा बादशाह साहब को और बिलखसूस कर्नूल से हमारे फिरोज साहब को और अबरार साहब को जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स बने हैं, उन सारे हजरात को भी जो है मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और अमजद बादशाह डिप्टी सीएम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल खादर चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे MLA साहब हाफिज़ खान साहब का तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे ये पोस्ट अदा किए हैं। इंशाल्लाह बहुत बहुत बड़ा काम किए हैं, इसलिए हम इनकी ये रखते हुए काम अच्छी तरह से करेंगे। वक्फ में सब मेंबरों के साथ सबके साथ अच्छा काम करेंगे। शहर कर्नूल में और कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में जो है एक जो वक्फ बोर्ड की कमेटी बनी है, इस कमेटी के अंदर जो है खुसूसन एक मशाइख की तरफ से जो है हमारे दादा बादशाह साहब को चुना गया है। इस काम के लिए जो है हमारे कर्नूल MLA साहब का जो है मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो काम, उनका किरदार, जो उनकी सिफत है, यही देखकर जो है जगन मोहन रेड्डी साहब ने उनको भरोसा कर जो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जो दिया है और जो वक्फ बोर्ड डायरेक्टर जो स्टेट का दिया है, तो जो उनका जो किरदार और सिफत है तो उसका उन्होंने आज एक भी एक जो है एक उस तजुर्बे का, उस उनके काम का, उनका जो तजुर्बा है उसका ही एक एक नमूना है जो आज ये कमेटी बनी है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और कर्नूल MLA साहब का और तमाम जो है हमारे कमेटी का जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम।